हमारे आपके पाप पुण्य भगवान सब जानते, लेकिन इस बात से विश्वास में रहिए कि भगवान पुण्य का तो स्मरण करते हैं परंतु जीव के सभी पापों का विस्मरण कर देते। भगवान ने कभी जीव के पाप क्यों निहारा ही नहीं, केवल पुण्य देखते हैं ठाकुर। अरे महाराज, केवल पुण्य देखते हैं तो अनजाने में भी कभी पाप हो गया हो तो उसके लिए क्षमा याचना से मां आई, सरकार के दर्शन भए, नेत्र झरझरा उठे, मेरे प्रभु का दर्शन करके मां पति लोक चले गए। बाबा का निर्णय, हस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहे दया, तुलसीदास सठ ते भजो छाई कपट। अस प्रभु कस अस कारण रहित दया करने वाले, दुनिया बिना कारण के कुछ न लेती न देती सा ठाकुर। इसलिए साधक कहता है, जगत के दाता है करुणा निधान रोमा, जगत के दाता करुणा निधान प्रभु कारण रहित दयालु दाता है। मती के फेर दे श्री भगवान रुआ जगत के दाता, श्री भगवान रुआ जगत के दाता। भक्त विदुर घर गए नी, भक्त विदुर घर गए नी, प्रेम से सगवे खैने, प्रेम से सगवे खैने, छोड़ के पकवान रोआ जगत के दाता, छोड़ के पकवान रोआ जगत के दाता। प्रभु करुणा निधान रोआ गज के वो बार दिहनी जगत के दाता के पास जगत के दाता। प्रभु करुणा निधान रोआ जगत के दाता, जगत के दाता कारण करुणा वरुणाले। भगवान का एक नाम है कारण करुणा वरुणाले। कोई कह रहा था हमारा विश्वास तो भगवान में है लेकिन आप जितना नहीं हो न करी भैया। देखिए विश्वास सेवा से दृढ़ होता है। कैसे? सेवा से। काकभूषुंड जी महाराज के गुरु जी ने क्या कहा, सेवा सेवा कर
खल सुत सोई क्या अबिरल भगति राम पद। शिव जी की सेवा का फल है पुत्र क्या राम जी के श्री चरणों में अबिरल भक्ति दृढ़ होती। जो सेवा करता है भैया उसी की श्रद्धा भक्ति दृढ़ता को प्राप्त होती। सेवा नहीं तो दृढ़ता नहीं आएगी। अब उसके अंतर कथा में नहीं जाएंगे, इतना है। अकारण करुणा किए प्रभु शतानंद जी की मैया हैं अहल्या जी। और देखिए कोई एक विचित्र घटना घट जाए, उसका चित्र बन जाए, तो सबके मानस पटल पर वो चित्र आ जाता है। मख राखे सब साख जग मग ऋषि बधु उधा क्या है देख बेटा। विश्वामित्र जी कहते हैं मख राखे, वो जनक जी महाराज से परिचय कराते मख मिथलेश जब स्वागत करते हैं तब की पंक्ति है। हाँ सखी कह रही है राम लखन दो बंधु बर रूप सेल बल धाम मख राख्यो सब साखे जग जिते असुर संग्राम। सखियां आपस में चर्चा करती हैं कि देखो ये जो सांवले वाले और गोरे वाले दोनों हैं ना, इन्होंने यज्ञ रक्षा की, मार्ग में गौतम जी की प्रिया अहल्या मैया का उद्धार किया, जगत साक्षी है, बड़े बड़े असुरों को इन्होंने युद्ध में जीता है, तो हल्के में न लेना। हाँ ये धनुष जरूरे थोड़ी है, ये सखियों का भाव है ना बेटा, सखियों का भाव है सखियों का। विश्वामित्र महाराज प्रशंसा करते हैं ये ऐसे हैं यज्ञ के लिए, तो ये भगवान अकारण करुणा करते हैं। परंतु अकारण करुणा करते हैं तो हमको भी अकारण भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। कारण पने लोग भगवान के दरबारे, भगवान के मंदिरे, तीर्थ, शिवाला, दुर्गा मैया के शक्तिपीठ कब जाते हैं, जब विपत्ति पड़े। विपत्ति पड़ने पर भगवान के पास नहीं जाना, जब संसार में सुख संपत्ति बढ़े तब भगवान में अत्यधिक रमना चाहिए, यह भगत का लक्षण है। हाँ तबे न सदियो, हर घड़ी हर पल हर दिन भगवान में रहने दें, ये हमारा स्वभाव बने। तो विश्वामित्र बाबा लेकर आगे चले, गंगा मैया का दिव्य दर्शन हुआ है। गंगा जी को देखकर प्रभु ने प्रणाम किया, स्नान भया। इसके पहले विश्वामित्र बाबा ने गंगा मैया धरती पर कैसे आई इसकी कथा सुनाई, किसको, प्रभु को। गाधी सुन सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुरसरी मही आई, तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए। अब गंगा जी आई किसके तप से, महाराज भगीरथ के नहीं, तीन पीढ़ी का तप, चौथी पीढ़ी में गंगा मैया आई। अर्थात किसी भी श्रेष्ठ संकल्प को पूर्ण करना हो तो एक पीढ़ी का काम न है, चार पीढ़ी, छह पीढ़ी, सात पीढ़ी, दस पीढ़ी, अरे इक्ष्वाक कुल की एक परंपरा है तप करने का। महाराज दिलीप गौ भक्त भय, महाराज शिव जीव भक्त भय, महाराजा हरिश्चंद्र सत्य भक्त भय, और पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए एक न एक जीवन के सिद्धांत को स्वीकारना पड़ता है। कोई ले लो आप जो आपके मन में बैठे, और उसको छोड़ना किसके लिए, जो आपके तप को पालन कर सके,
छोड़ो ना, छोड़ के जाना, फिर तो यहीं आना है, आना यहीं है, इसलिए तप होना चाहिए। और हमारे तप को कौन पूर्ण कर सकता है, इसकी भी खोज चलती रहे। हमारे कुल में महाराज अंशुमान, महाराज असमंजस, महाराज दिलीप, महाराज भगीरथ, तब गंगा अवतरण भया, ये परंपरा गुरुदेव ने सुनाई है विश्वामित्र जी ने।